हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप। आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस डिस्कशन में, जिसका नाम है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन थ्रू द हिंदू। आज है 5 सितंबर 2017 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू के एडिटोरियल्स। तो आइए सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए, यहाँ पर जो आर्टिकल है ये नॉर्थ कोरिया के इशू से रिलेटेड है, हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये जो सेंटर में आर्टिकल है ये इंडिया म्यांमार रिलेशंस से रिलेटेड आर्टिकल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट होने वाली है 5 सितंबर को ब्रिक्स समिट के बाद, तो इसको हम बहुत ही बैकग्राउंड के साथ कंप्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल जो है इससे बारे में आपको बताता हूँ कि 39 सक्सेसफुल लॉन्चेस के बाद इसरो के लिए PSLV का लॉन्च बच्चों के खेल की तरह था, लेकिन PSLV C-39 अभी फेल हो चुका है। तो इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है ये पॉलिटिक्स रिलेटेड है और हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये पहले इंडिया में जो सेटलर्स थे वो कौन थे, इनके बारे में आर्टिकल है। एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इन जनरल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल्स हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा हम एक आर्टिकल जो है वो इंडियन एक्सप्रेस का भी डिस्कस, जो रूरल डिस्ट्रेस है उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस का। तो फिर आइए सबसे पहले ऐसे राइटिंग के लिए जो हम एक कोटेशन देखते हैं वो आज क्या है, कन्फ्यूशियस का ये स्टेटमेंट है, इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। कछुए और खरगोश की स्टोरी हम सभी लोगों ने सुनी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना धीमे चल रहे हैं जब तक कि आप लगातार चलते रहें। सिविल की तैयारी के लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको लगातार तैयारी करनी होती है। प्रीलिम्स के 2 महीने पहले से पढ़ाई नहीं हो सकती, आपको लगता है कि आप मेंस के 3 महीनों में इसकी तैयारी कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपको लगातार कंटिन्यूस स्टडी करनी होगी और इसको आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी देख सकते हैं कि हमें ज़रूरत है कि हम लगातार अपनी रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए बातचीत करते रहें। That can only be a sustainable solution. तो आप इसको इस तरीके से कोट कर सकते हैं। आइए कमेंट बॉक्स पर हम बात करते हैं। देखिए, कल मैंने आपसे कुछ सजेशंस मांगे थे जिस पर मैंने बोला था कि कई बार टाइम लिमिट बढ़ जाती है तो इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ज़्यादातर लोगों ने जो भी मुझे रिप्लाई दिया है बहुत ही पॉजिटिव है। ज़्यादातर लोग कंप्रिहेंसिव डिस्कशन चाहते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म का डिस्कशन जिसमें भाग भाग कर चीज़ों को बताया जाए। एक केवल कमेंट था जिसमें मुझसे कहा गया था विद इन 30 मिनट्स। तो देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम टाइम लिमिट को बहुत ज़्यादा एक्सीड ना करें, स्टिल जो रिक्वायर्ड है हम उस टाइम के साथ कंप्रिहेंसिव डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ, वो ये है कि यूट्यूब बेसिकली वन साइडेड डिस्कशन जैसा हो गया है, जहाँ पर लोग अपनी बातें आपसे कहते हैं और आप उनको सुनते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। देखिए, गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है आपकी स्टडी के लिए। हालांकि इंस्टीट्यूट में पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम है, बट डेफिनेटली वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। जिनके पास रिसोर्सेज हैं उनको निश्चित रूप से अवेल करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही कंप्रिहेंसिव तरीका होता है तैयारी करने का। गाइडेंस तो निश्चित तौर पर ज़रूरी है, बट फिर भी जो हमारा ये डिस्कशन है, डिस्कशन का मतलब ही होता है 2-वे कम्युनिकेशन। तो हम कम्युनिकेट करेंगे अपने कमेंट बॉक्स के थ्रू। आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, अपनी कोई भी बात रखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में रखेंगे। आई विल अश्योर यू कि मैं उस कमेंट बॉक्स को रिव्यू करूँगा और जो भी आपके सवाल होंगे हम उसको इस सेक्शन में फ्रॉम कमेंट बॉक्स, यहाँ पर मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। जो कुछ आप मुझसे पूछेंगे या फिर जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको हम इस कमेंट बॉक्स सेक्शन में इस PPT पर डिस्कस करेंगे। तो ये एक चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, ताकि हमारा और आपका कम्युनिकेशन बन सके, हमारी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपस में जुड़ सकें, हम उनका सोल्यूशन निकाल सकें, ठीक है। आइए अपने डिस्कशन की तरफ चलते हैं। मेकिंग अप फॉर लॉस्ट टाइम, पेपर 2 से टॉपिक को एसोसिएट करेंगे इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। इंडिया म्यांमार से रिलेटेड ये आर्टिकल है। हम देखते हैं कि म्यांमार में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट होने वाली है 5 सितंबर को। अब इंडिया म्यांमार रिलेशन पे अगर हम बात करने जा रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि सबसे पहले हमें म्यांमार की लोकेशन देख लेनी चाहिए? तो आइए सबसे पहले हम म्यांमार की लोकेशन देखते हैं। ये है म्यांमार, ठीक है, जो इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है। यहाँ पर म्यांमार की लोकेशन को आप और बेहतर तरीके से क्लियर कर सकते हैं, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है। हमारी जो ये ईस्ट लुक ईस्ट की पॉलिसी है ये उसके लिए एक डोर की तरह काम करता है। बहुत ही अच्छे रिलेशन हो म्यांमार के लिए, ये हमारे लिए ज़रूरी है। अब आइए इंडिया म्यांमार रिलेशन की बात, म्यांमार रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया और म्यांमार के बहुत ही पुराने रिलेशंस हैं, हिस्टोरिकल रिलेशन है, एथनिक कल्चर रिलीजियस टाइज बहुत तगड़ी हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट काफ़ी अच्छा रहा है। हम म्यांमार के साथ 1600 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं अलॉन्ग विद द मैरीटाइम बाउंड्री इन बे ऑफ बंगाल। 2.5 मिलियन का डायस्पोरा हमारा म्यांमार में रहता है। थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं म्यांमार की, क्लियर होगा। देखिए, ब्रिटेन ने म्यांमार को अपनी कॉलोनी बनाया लाइक इंडिया इन 1886, जहां कैपिटल बनी रंगून। इंडियंस को बहुत लार्ज क्वांटिटी में इंडेंचर्ड लेबर के फॉर्म में म्यांमार ले जाया गया।
देखिए, बर्मिस इकोनॉमी ग्रो तो करी, लेकिन उसका फायदा म्यांमार के नेटिव लोगों को नहीं मिला। ज़्यादातर फायदा ब्रिटिश फर्म्स को, जो एंग्लो बर्मिस लोग थे या फिर जो इंडिया के माइग्रेंट्स थे, उनको मिला। अब ये जो डोमिनेशन था ब्रिटिशर्स का, इसने वहाँ के लोगों की जो कंडीशन थी वो काफ़ी डिस्ट्रेस बना दी थी। और कॉलोनियल रूल निश्चित तौर पर अच्छा नहीं होता, चूँकि हम इसको भुगत चुके हैं तो हम भी इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। हम देखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कि 1940s में जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फॉर्मली एंट्री करता है, तो ऑंग सान, जो कि ऑंग सान सू की इस समय वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी हेड हैं, ये उनके पिताजी थे। इन्होंने बर्मा इंडिपेंडेंस आर्मी जापान में बनाई ताकि बर्मा को आज़ादी दिलाई जा सके। अब देखिए, बैटल ग्राउंड में बर्मा ने बहुत ही अच्छे तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हम देखते हैं 1942 के दौरान, जापानीज ट्रूप ने रंगून में एडवांस कर लिया और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को कोलैप्स कर दिया, उनको वहां से भगा दिया। लेकिन उसके बाद जो जापानीज थे वो म्यांमार पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। इसका विरोध करते हुए वही आर्मी, बर्मा इंडिपेंडेंस आर्मी, जो जापान में बनी थी, जो जापान का सहयोग चाहती थी, उसने और अराकान नेशनल आर्मी ने जापानीज फोर्सेस के साथ लड़ाई लड़ी अपनी खुद की आज़ादी के लिए, जो कि 1942 से 44 तक चली। इस लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि जब जापानीज कोलैप्स करते हैं, उनके ऊपर बॉम्ब गिराया जाता है, एटॉम बॉम्ब गिराया जाता है 1945 के दौरान में, और वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होता है, तो ऑंग शान जो थे वो निगोशिएट करते हैं पेंगलोंग एग्रीमेंट में, और वो बर्मा की आज़ादी के लिए मांग करते हैं। 1947 में हम देखते हैं कि ऑंग सान को डिप्यूटी चेयरमैन बना दिया जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ बर्मा का, एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के तौर पर। इंडिया के रिलेशन की अगर हम बात करते हैं म्यांमार से, तो 1948 में आज़ादी मिलती है म्यांमार को, लेकिन जब म्यांमार आज़ाद होता है तो वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं बनता है जैसे कि इंडिया बन गया था। लेकिन जल्दी ही जो आज़ादी के बाद बर्मा है वो कम्युनिस्ट ग्रिप के अंदर आ गया। शुरू में हमने बर्मा के साथ अपने रिलेशंस बढ़ाए, वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करी गई, लेकिन 1962 में वहाँ पे एक डिकूप होता है, वहाँ पर एक कूप होता है जिससे मिलिट्री जो है वो डेमोक्रेटिक रिजीम को उठाकर फेंक देती है, और मिलिट्री का वहाँ पर डोमिनेंस हो जाता है बर्मिस गवर्नमेंट के अंदर, और डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया जाता है। इसके बाद जो इंडिया के रिलेशंस थे वो वहाँ पर बर्मा के साथ ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। दुनिया के कई सारे देशों ने, एक्सेप्ट चाइना, उनके ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए, इंडिया भी उसमें शामिल था, क्योंकि इंडिया म्यांमार में ऑटोक्रेसी नहीं चाहता था। उसके बाद हम देखते हैं एडवांसमेंट जो होता है, इसी डिस्ट्रेस के चलते जो वहाँ का मिलिट्री रूल था उसका इंडिया के साथ कोई अच्छा रिलेशन नहीं था, उन्होंने 1979 में खुद को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से भी अलग कर लिया। हम देखते हैं कि 1972 के दौरान वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जब मिलिट्री को ये महसूस हुआ कि उनको अच्छे से रूल करना चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम रहा। 1987 के दौरान, मैंने यहाँ स्लाइड में नहीं लिखा है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, 1987 के दौरान राजीव गांधी जी ने वहाँ पर विजिट की और कोशिश की कि रिलेशंस को इम्प्रूव किया जाए, लेकिन 1988 में वहाँ पर फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, वहाँ पर इंडियन डायस्पोरा को भगाया जाने लगा और सिचुएशंस फिर बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। लेकिन हम इसके बाद देखते हैं कि 1962 से 64 के दौरान वहाँ पर जो बर्मा में रिवोल्यूशनरी काउंसिल थी, वो जो मिलिट्री जनरल थे उनके हेडेड द्वारा वहाँ पर काम चलता था, 1988 में फिर से वन पार्टी सिस्टम वहाँ पर आया, बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी जो कि मिलिट्री रूल करती थी वहाँ पर। लेकिन चाइना के रिलेशन लगातार म्यांमार के साथ सही थे। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए हमने देखा कि 1992 के बाद हमने अपने अप्रोच में परिवर्तन किया, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगातार रिलेशंस को इम्प्रूव करने का प्रयास किया, और इस प्रयास को हम अभी तक लगातार जारी किए हुए हैं। तो ये पूरी हिस्ट्री हमने बैकग्राउंड के साथ देखी। अब आइए देखते हैं आर्टिकल क्या कुछ कहता है इस बारे में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो विजिट है ये बहुत ज़रूरी है हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, हमारी डायस्पोरा की पॉलिसी के लिए, साथ ही इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डेवलपमेंट के लिए भी, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट है उसके लिए भी म्यांमार के साथ रिलेशंस अच्छे हों, ये ज़रूरी है। विजिट इसके पहले कुछ कारणों से नहीं हो पाई, 2014 में एक विजिट हुई थी, उसके बाद ये विजिट्स नहीं हो पाई। कई सारे कारण थे इसके पीछे, क्योंकि 2015 में म्यांमार में इलेक्शन होने वाले थे, इस वजह से वहाँ पर विजिट करना स्ट्रेटजिकली सही नहीं था। 2016 में यूएस की स्ट्रेटजी क्या होती, यूएस में इलेक्शंस होने वाले थे, इस वजह से भी हमने अपनी विजिट को म्यांमार पर थोड़ा सा टाला। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो म्यांमार का था वो भी काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा था, तो इन कई कारणों से इसके पहले की विजिट्स नहीं हो पा रही थी।
बट अभी ये विजिट जो होने वाली है इसके कई तरीके के जो फायदे हैं वो देखने को मिल सकते हैं। रोहिंग्या क्राइसिस की अगर हम बात करते हैं, इसके पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया भी था रोहिंग्या क्राइसिस पर, तो देखिए रोहिंग्या वहाँ की एक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिनको लगातार वहाँ पर सप्रेस किया जा रहा था, और उसके बाद वो वहाँ पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आए। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया अराकान रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी, जिसको वहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान लिया गया है। इंडिया ने रोहिंग्या के मुद्दे पर सपोर्ट किया म्यांमार को, उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरीके के टेररिस्ट अटैक को कंडेम करते हैं, क्योंकि अभी एक टेररिस्ट अटैक किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अराकान रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी के द्वारा। उसके बाद काफ़ी जो मिलिट्री है वो सख्त रवैया अपनाए हुए है, ये आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये जो इंडिया का अप्रोच है कि वो रोहिंग्या के मुद्दे पर म्यांमार को सपोर्ट कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर इसलिए है ताकि हम म्यांमार के साथ अपने रिलेशंस को अच्छे कर सकें। चाइना इंडिया, देखिए चाइना इंडिया म्यांमार लिंक की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं चाइना इंडिया की जो रिलेशंस है काफ़ी सस्पेंस में है। डोकलाम की ब्रिक्स समिट ये चली रही है डोकलाम की क्राइसिस के बाद, तो यहाँ पर देखिए आज 12 बजे इंडिया और चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी मीटिंग होने वाली है। इसमें क्या कुछ निकल कर आएगा वो भी हमारे सामने आएगा। देखिए बहुत ही सेंसिटिव लोकेशन है म्यांमार की, इंडिया और चाइना के बीच में। चाइना पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी है म्यांमार की, और चाइना भी काफ़ी लिवरेज चाहता है म्यांमार से। वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वहाँ पर बनाना चाहते हैं, साथ ही उनका जो एक नेचुरल डीप सी हार्बर है क्याउप्याक्यू, वहाँ पर वो उसको अपने एम्बीसीएस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। हालांकि म्यांमार वेलकम करेगा इंडिया की टाइस को ताकि वो दोनों कंट्रीज के साथ एक स्टैब्लिश रिलेशन बना सके। देखिए फोकस कुछ बेसिक चीज़ों पर भी होना चाहिए, बजाय इसके कि हम केवल इंडिया में जो इंसर्जेंसी हो रही है म्यांमार पर हम उस पर कंसंट्रेट करें। अभी देखिए इंडिया मतलब म्यांमार में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ इंसर्जेंट ग्रुप हैं वो वहाँ पर अपना बैकग्राउंड बनाकर रखते हैं। अभी आज की मैं बात बता रहा हूँ, दैनिक जागरण में ये एक चीज़ आई हुई है कि अभी एक स्ट्राइक हुई है म्यांमार के बॉर्डर पे, जो वहाँ पे ग्रुप्स हैं इंसर्जेंट ग्रुप हैं इंडिया के ही जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ। तो हमें कुछ बेसिक चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे सब्सटेंटिव डेवलपमेंट पार्टनरशिप, ट्रेड इशूज़ और कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज पर, बजाय इसके कि हम सिर्फ इस बात पर स्टक रहें कि हाँ उनको इंसर्जेंसी कम करनी चाहिए। ऐसे मुद्दों पर डिफेंस रिलेशन बहुत ही धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी रिलेटेड टॉक्स भी हो रही हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल पर भी, बायलैटरल एग्रीमेंट्स कई एरियाज़ में किए जा रहे हैं, हेल्थ कल्चर डेवलपमेंट यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, ट्राइलैटरल हाईवे बनाया जा रहा है, कलादान मल्टीमॉडल प्रोजेक्ट जो एक नया रास्ता हमें देगा हमारे नॉर्थ ईस्ट पर जाने के लिए, क्योंकि चिकन नेक काफ़ी वल्नरेबल सेक्शन है, काफ़ी वल्नरेबल रूट है। सॉफ्ट लाइन क्रेडिट भी इंडिया प्रोवाइड करता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले बताया भी था कि इसमें बहुत ज़्यादा लिवरेज होता है, बहुत फ्लेक्सिबल लोन होता है ये, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। तो बायलैटरल एग्रीमेंट को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। कॉमर्स एंड ट्रेड की बात करते हैं तो ये काफ़ी की स्टोन रहा है हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस रिलेशंस में, हम बहुत ज़्यादा पल्सेस और बीन्स का इम्पोर्ट करते हैं, हमारी जो ऑयल की कंजम्पशन है एडिबल ऑयल की कंजम्पशन की जो नीड है वो म्यांमार से पूरी होती है, तो उसमें रिलेशंस में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हालांकि जो अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं पल्सेस के ट्रेड पर वो निश्चित तौर पर थोड़ा सा निगेटिव जाएंगे, इसमें हमारे कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे स्पेकुलेशन होता है ग्लोबल लेवल पे पल्सेस का, या फिर जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको भी प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है, दैट्स वाई समटाइम्स ऐसा किया जाता है। बट रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि हम ट्रेड को काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाएं, स्पेशली एडिबल ऑयल्स के ट्रेड जो कि हमारे म्यांमार के साथ हैं। ओल्डर टाइज की बात करते हैं तो हमारी टाइज बहुत पहले से स्ट्रॉन्ग कल्चरल पीपल टू पीपल कनेक्शन हमारा रहा है, हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है म्यांमार में। हमने देखा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फाइनल स्टेज में वहाँ पर जो एक अनंदा टेम्पल था उसको फेसलिफ्ट करने की बात की गई है, कैबिनेट ने भी अपना अप्रूवल दे दिया है जो वहाँ पर रिस्टोरेशन किया जाए, जो पेगोडाज हैं कुछ टेम्पल्स हैं जो डैमेज हो गए थे 2016 के अर्थक्वेक में, ठीक है। कुछ और भी एरियाज हैं एग्रीकल्चर एग्रो इंडस्ट्रीज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यहाँ पर भी हमें अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम म्यांमार के साथ एक बैलेंस रिलेशन बनाएं ताकि ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज जो हैं उनके साथ हमारे रिलेशन जो हैं वो इम्प्रूव हो सके। 50 ईयर्स का जो इंसुलर मिलिट्री रूल है वहाँ पर, इसके दौरान तो हम ये भी भूल गए हैं कि जो म्यांमार है वो हमारा एक इमीडिएट नेबर है। देखिए हम कभी भी जब अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में सोचते हैं तो म्यांमार का नाम बड़े अंत में याद आता है, ऐसा वास्तव में है। तो ज़रूरत है कि हम और अच्छे से इस रिलेशन को डील करें ताकि स्ट्रेटजिक बेनिफिट इंडिया को एज वेल एज म्यांमार को भी मिले। एक क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है
डिस्कस द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, टू व्हाट एक्सटेंट चाइना फैक्टर अफेक्ट द रिलेशन बिटवीन बोथ नेशंस। एनालाइज करना है 200 वर्ड्स में। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, नॉर्थ कोरिया एंड यूएस। पेपर टू से टॉपिक को एसोसिएट करेंगे बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग। हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने अभी एक हाइड्रोजन बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया, ऐसा उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने एक 6 न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया है जो कि हाइड्रोजन बॉम्ब का है। लोकेशन देखिए, ये नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, ये साउथ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया की लोकेशन है, इधर येलो सी है, ये सी ऑफ जापान है, ये ईस्ट चाइना सी है, ये पैसिफिक ओशियन है। अब देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब में अंतर क्या होता है? देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है, मैं आपको बता देता हूं, वो फिशन पे बेस्ड होता है, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो नाभिकीय विखंडन पर, जबकि जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन पर। न्यूक्लियर फ्यूजन सन में जो एनर्जी होती है वे फ्यूजन की तरह फ्यूजन की वजह से होती है। अब आपको अगर ये कन्फ्यूजन हो कि किसमें फिशन होता है किसमें फ्यूजन होता है, तो आप समझिए कि सन में एस यू है, ठीक है, यू, और फ्यूजन में भी यू है, तो सन में जो एनर्जी आती है वो फ्यूजन से आती है। फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज होना, फ्यूज होना मतलब जुड़ना, जब दो एटॉम्स आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। देखिए, फिशन एक आसान काम है, फ्यूजन बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम क्यों है? इसलिए जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको बनाया जा सकता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में दिक्कत होती है क्योंकि ये फ्यूजन पे बेस्ड होता है। एक एटॉम को तोड़ना इज क्वाइट इजी, लेकिन दो एटॉम्स को जोड़ने में दिक्कत आती है। अगर आपको बेसिक साइंस पता हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एटॉम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अब देखिए, किसी भी दो एटॉम को जुड़ने के लिए इनके न्यूक्लियस का जुड़ना जरूरी होता है, और न्यूक्लियस में चूंकि ये न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, इसको छोड़ दीजिए, पॉजिटिव चार्ज है, इसके एटॉम में भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज है, और इसके न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज है। अब दो पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ें आपस में जुड़ती नहीं है, अगर आपको बेसिक साइंस पता है तो, ठीक है। आपने चुंबक देखा होगा, NN पर आप ले जाते हैं तो एक दूसरे को फेंकता है, अलग की तरफ फेंकता है, जुड़ता नहीं है, NS पर जुड़ता है, अपोजिट चार्जेस जुड़ते हैं, सिमिलर चार्जेस जुड़ते नहीं है। लेकिन अगर आपको हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना है तो आपको इन दोनों एटॉम्स को जोड़ना होगा, ये इतना आसान काम नहीं है। इन दोनों एटॉम्स को जोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत होती है। अब वो हाई टेम्परेचर आता कहाँ है, तो देखिए मैं बहुत टेक्निकल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि दिक्कत हो जाएगी समझने, बहुत जनरल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि जब भी हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया जाता है तो हाइड्रोजन बॉम्ब के एक्सप्लोजन के पहले वहां पर एक एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है। वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है, और उस हीट के जरिए इन दोनों एटॉम्स को आपस में जोड़ा जाता है। वही हीट जब इनको जोड़ती है तब जाके हाइड्रोजन बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है। सामान्य भाषा में समझाया है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन होता है काफी टेक्निकल होता है, बहुत 5 कंट्रीज हैं जिनके पास ये पावर है हाइड्रोजन बॉम्ब की, हालांकि इंडिया भी क्लेम करता है, इसराइल भी क्लेम करता है, बट ये ऑथोराइज नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में आपको थोड़ी सी बातें बता दी, जो कि अभी नॉर्थ कोरिया ने क्लेम किया है कि उन्होंने इसका एक्सप्लोजन किया है। अब देखिए, बहुत लंबे समय से जो ग्लोबल लेवल पे कंडेम किया जा रहा है नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, अब जो यूएस प्रेसिडेंट हैं वो लगातार बहुत ही रेटोरिक क्लेमिंग करते रहते हैं कि वो फायर एंड फ्यूरी कर देंगे पूरी कंट्री में, नॉर्थ कोरिया में उनके न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल तैयार हैं, लॉक्ड एंड लोडेड हैं, वो किसी भी समय नॉर्थ कोरिया पे हमला करेंगे। देखिए, सब बातें एक्चुअली काम करती नहीं है, और अभी तक इन्होंने काम किया भी नहीं है। इसका सिर्फ इतना सा फ़ायदा हुआ है कि ये अपीज़ कर पाते हैं साउथ कोरिया को, इसके अलावा तो इसका और कोई भी फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है। नेबरिंग कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए, देखिए या क्या कर रही हैं, जापान और साउथ कोरिया ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाना शुरू कर दिया है। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं मून जाए इन, वो लगातार इस फेवर में थे कि वो यूएस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं लेंगे, थाट, लेकिन अभी उन्होंने ले लिया है, जबकि साउथ कोरिया के जो और भी लोग हैं लोकली इसका अपोज कर रहे थे, मतलब तैयारी चल रही है। नॉर्थ कोरिया जो है वो क्यों अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा है, इसके दो इंपॉर्टेंट रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि वो जो आइसोलेशन है नॉर्थ कोरिया के लोगों का, ऐसा करना चाहता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत बढ़ रही है, वो आइसोलेशन को कंपनसेट करना चाहता है। दूसरा, जो उनका एक डिक्टेटरशिप का रूलिंग है, वो ये शो करना चाहते हैं कि उनकी डिक्टेटरशिप में नॉर्थ कोरिया स्ट्रांग हो रहा है। ये दो मुद्दों पर वो अपनी पावर को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। चाइना और नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं तो चाइना लगातार इस बात को अपोज कर रहा है कि जो ट्रेड सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर,
हालांकि अभी ने कई सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए उन्होंने ट्विटर करके, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला कि वो ऐसे हर कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को तोड़ेंगे जो कि नॉर्थ कोरिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस रख रहे हैं, टारगेट था चाइना, लेकिन इसका कुछ फायदा होने वाला है नहीं। कंक्लूजन में यही कहा जा सकता है कि सिर्फ एक मात्र जो ऑप्शन बचता है वो है मल्टीलेटरल टॉक। कई सारे स्टेक होल्डर एक साथ आएँ, US, चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मिलकर बात करें और सोल्यूशन निकालें। हम कई आर्टिकल में सिर्फ यही सोल्यूशन देते हैं, दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन। ठीक है, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, डाउन बट नॉट आउट। पेपर 3 से टॉपिक को एसोसिएट करेंगे, अवेयरनेस इन फील्ड ऑफ IT स्पेस टेक्नोलॉजी। हम देखते हैं कि PSLV C-39 रॉकेट जो कि 8वां सैटेलाइट सिस्टम ले जाने वाला था हमारे इर्नस का, रीजनल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट सिस्टम। अब देखिए इर्नस क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे USA का GPS सिस्टम है, वैसे ही इंडिया अपना डोमेस्टिक GPS सिस्टम तैयार करना कर रहा है। इनफैक्ट काफ़ी तैयारी हो भी गई थी, उसको हम कहते हैं इर्नस। इसका नाम बदल के भी नाविक भी रख दिया गया है। अब देखिए इसमें है क्या कि ये देखिए इंडिया है, ठीक है, तो इसमें 7 सैटेलाइट छोड़े गए हैं जिसमें 4 सैटेलाइट यहाँ होंगे, ठीक है, 4 सैटेलाइट्स यहाँ होंगे और 3 सैटेलाइट्स ऐसे यहाँ पर होंगे। क्लियर हो रहा है, ये 7 सैटेलाइट जो हैं ये इंडिया के चारों तरफ 1500 किलोमीटर के रेंज में GPS की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, लोकेशन दिखाएंगे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो गई कि जो इसमें 7 में एक सैटेलाइट था IRNAS-1A, IRNAS-1A की जो एटॉमिक वॉच थी उसमें 3 एटॉमिक वॉच होती हैं जो कि लोकेशन को क्लियर करती हैं, वो एटॉमिक वॉच एक सैटेलाइट की खराब हो गई, जिस वजह से ये हमारा नेविगेशन सिस्टम जो 2004 से फंक्शनल होने वाला था वो नहीं हो पाया। अभी हम उसी IRNAS-1A को रिप्लेस करने के लिए एक 8वां सैटेलाइट भेज रहे थे ताकि हम अपने इस नेविगेशन सिस्टम को एप्लीकेबल कर। लेकिन देखिए हुआ क्या कि PSLV C-39 जो इस सैटेलाइट को ले जा रहा था वो फेल हो गया। अब देखिए बैकग्राउंड में ये कहा गया है कि 39 कंसेक्यूटिव लॉन्चेस के बाद इसरो के द्वारा PSLV को लॉन्च करना एक बच्चों के खेल की तरह था, लेकिन ये जो फेलोर देखने को मिला ये काफ़ी सरप्राइजिंग था। रीजंस क्या थे फेलोर की, जो हीट सील थी वो सैटेलाइट से अलग होने से फेल हो गई। अब ये हीट सील क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि देखिए जब भी कोई सैटेलाइट जा रहा होता है उसको जो मिसाइल मतलब जो भी उसको लॉन्चिंग व्हीकल लेके जा रहा होता है तो जब वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर से जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्शन होता है और उस फ्रैक्शन से बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होती है, तो हमारे सैटेलाइट को उस हीट से बचाने के लिए उसके ऊपर एक हीट सील्ड लगाई जाती है, ठीक है। इस हीट सील्ड के अंदर ये हमारा सैटेलाइट होता है और जब ये लगभग 100 किलोमीटर से 110 किलोमीटर की ऊँचाई पर पहुँच जाता है तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर काफ़ी पतला हो जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा हवा नहीं होती तो फ्रैक्शन बहुत कम हो जाता है। उस सिचुएशन में हीट का बहुत विशेष नुकसान होता नहीं है, तो अल्टीमेटली जब सैटेलाइट को वहाँ पर छोड़ा जाता है तो सबसे पहले ये जो हीट सील्ड है ये इससे अलग होती है और ये ऐसे खुल जाती है, ठीक है, ये ऐसे खुल जाती है और उसके बाद ये जो हमारा सैटेलाइट है ये इसके बाहर आ जाता है। तो दिक्कत कहाँ हुई है, 3 लेवल में जो ये सैटेलाइट गया है वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही सक्सेसफुल लॉन्चिंग थी, लेकिन जब इस हीट सील्ड को खोलने की बारी आई तो ये हीट सील्ड खुला ही नहीं और जो हमारा सैटेलाइट है वो हीट सील्ड के अंदर रह गया। तो ये एक टेक्निकल मिस्टेक थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ और हमारा ये पूरा जो प्रोसीजर था इस लॉन्चिंग का ये फेल हो गया, ठीक है। अब PSLV के 41 अभी तक लॉन्च हुए हैं जिसमें से 39 सक्सेसफुल लॉन्च हुए हैं, केवल 2 लॉन्च अनसक्सेसफुल रहे हैं जिसमें ये दूसरा लॉन्च था। इसके पहले लास्ट टाइम जो PSLV फेल हुआ था वो 1993 में हुआ था, मतलब बहुत समय पहले, बहुत समय बाद ऐसा हुआ है, इस वजह से ये काफ़ी सरप्राइजिंग था। हमने देखा कि अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था इसरो ने, एक बार में 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। तो इतने अच्छे रिजल्ट्स के बाद अभी हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें ये जो फेलोर है ये रिमाइंड करवाता है कि हमें हर लेवल पर इस बात की ज़रूरत है कि हम अटमोस्ट केयर के साथ जो लॉन्च है उसको करें और पूरी सावधानी के साथ ये लॉन्चेस किए जाएं, ठीक है। तो देखिए ये जो मिशन था ये डिसहार्टनिंग क्यों था, डिसहार्टनिंग इसलिए था क्योंकि ये IRNAS-1H अभी हमने सैटेलाइट भेजा था, इसको बहुत अच्छे से जांच परख के भेजा गया था और दुख होने का कारण ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 7 सैटेलाइट भेजे गए थे हमारे नाविक सिस्टम के लिए, IRNAS सिस्टम के लिए, उसमें ये 1H-1A को रिप्लेस करने वाला था। ये IRNAS-1A वही सैटेलाइट है जो कि जिसकी एटॉमिक वॉच खराब हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा जो ये पूरा सिस्टम है ये फंक्शनल नहीं हो पाया था, ऑपरेशनल नहीं हो पाया था। तो अभी फर्दर इसमें और भी डिले हो जाएगा, इस वजह से काफ़ी ये डिसहार्टनिंग था। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि इंडिया को अभी और वेट करना पड़ेगा IRNAS-1A को रिपेयर करने के लिए या फिर उसको रिप्लेस करने के लिए ताकि जो हमारा GPS सिस्टम है वो फंक्शनल हो सके। तो ये पूरी बातें हमने इस रिलेटेड की। क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है, इन द लाइट ऑफ रीसेंट अनसक्सेसफुल मिशन ऑफ PSLV C-39 रॉकेट कैरिंग द 8th सैटेलाइट ऑफ द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNAS,
एनालाइज द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज बिफोर इसरो, ठीक है, 200 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। अगला जो आर्टिकल है, हु आर द फर्स्ट सेटलर्स ऑफ इंडिया, ये सेकंड पेज पर आर्टिकल है, एंथ्रोपोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इंडिया के जो पहले सेटलर्स थे वो कब आए थे, कैसे और कहां से आए थे, इससे रिलेटेड आर्टिकल लिखा गया है। हमारे जो वंशज हैं वो निश्चित तौर पर माना जाता है कि जो पहला ओरिजिन है होमो सेपियंस का वो अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट पर माना जाता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर माना जाता है। ऑप्शन है वो अफ्रीका में माना जाता है यहां पर, जो कि सवाना के रीजन में था। पहले जो ह्यूमन इवोल्यूशन था वो सवाना के इस रीजन में हुआ। जो एप्स थे उन्होंने पेड़ों पर से उतरकर जमीन पर चलना इसलिए शुरू किया क्योंकि पेड़ों की वहां कमी होना शुरू हो गई और सवाना का रीजन एक्सपेंड होने लगा। इसके बाद जो ह्यूमंस थे वो साउथ वेस्ट एशिया के रीजन से होते हुए इंडिया के नॉर्दर्न रीजन से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं और वो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट पर आ जाते हैं। और ये जो समय था ये 50,000 ईयर्स पहले का समय था, ठीक है। इसके बाद ये मिडिल ईस्ट के रीजन से होते हुए इंडिया के सदर्न पार्ट में भी जाते हैं और इसके साथ ही ये दुनिया के और हिस्सों में होते हुए साउथ अमेरिका, यूरोप, इन हिस्सों में भी जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो शुरू होता है, ठीक है। ये सेटलमेंट लगातार बढ़ता रहता है पूरी दुनिया में और ये जो समय था ये 40,000 ईयर्स एगो का समय था, 40,000 साल पहले का समय था। इसके बाद ये जो एक्सपेंशन था ह्यूमन इवोल्यूशन का, हम देखते हैं कि एक आई से जाता है 25,000 ईयर्स एगो, पूरी धरती बर्फ से ढक जाती है, काफी ज्यादा एक्सटेंशन इस पीरियड में होता है। उसके बाद जो इवोल्यूशन है 25,000 ईयर्स के दौरान 15,000 ईयर्स पर ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी एक्सपेंड करता है और इस तरीके से हमारी पूरी धरती पर जो ह्यूमंस हैं वो फैल जाते हैं। और ये जो पीरियड था ये 12,000 ईयर्स पहले का समय था। इस तरीके से ह्यूमन माइग्रेशन पूरी धरती पर हुआ है, जो मैंने आपको यहां समझाने का प्रयास किया। और आज जो हमारी धरती है वो कुछ यूं दिखती है, पूरी दुनिया पर इंसान फैले हुए हैं। तो इस एनिमेशन के जरिए मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया। देखिए, यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको दो थियरीज के बारे में बता देना चाहूंगा जिनका जिक्र इस आर्टिकल में किया गया है। पहली थियरी ऐसा कहती है कि जो ह्यूमंस थे वो इस अर्थ पर या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 75,000 ईयर्स के पहले आए थे, ठीक है। जबकि जो दूसरी थियरी है वो ऐसा कहती है कि नहीं, जो ह्यूमंस थे वो 75,000 ईयर्स के बाद आए हैं, ठीक है। तो इन थियरीज के बीच में एक जो कॉन्फ्लिक्ट का पीरियड आता है वो ये आता है कि एक तोबा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। ये माना जाता है कि तोबा वॉल्केनिक इरप्शन से बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफिक इंपैक्ट हुआ था। तो ह्यूमन इवोल्यूशन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ है वो तोबा वॉल्केनिक इरप्शन के बाद हुआ है, जबकि एक थ्योरी कहती है नहीं, ये उसके पहले हुआ है। तोबा वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में मैं अगर आपको कुछ बताऊं तो देखिए, धरती पर ये बहुत ही अभी तक का जाना जाने वाला सबसे बड़ा कैटास्ट्रोफिक वॉल्केनिक इरप्शन था, ठीक है। ये जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था ये 70,000 BC के अप्रॉक्सीमेट हुआ था और ये जो वॉल्केनिक इरप्शन था इसने बहुत सारी जो ह्यूमन, ये तो माना जाता है कि एक समय पर इसने पूरे पॉपुलेशन को एक्सटिंक कर दिया था। ये सुमात्रा इंडोनेशिया का ये जो रीजन है यहां पर ये जो इरप्शन था, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था जिसने पूरे एरिया पर अपना प्रभाव जमाया था। लगभग 6 महीने तक लोग कहते हैं धूप, मतलब जो रिसर्चर्स हैं बताती हैं धूप नहीं निकली थी और लगभग उस समय की जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी वो इस वजह से एक्सटिंक्ट कर गई थी। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो प्रूफ्स मिलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट के वो इस तोबा वॉल्केनिक इरप्शन के बाद में मिलते हैं, ऐसा क्लेम किया जाता है। इसी बारे में इस आर्टिकल में भी जिक्र किया गया है। तो देखिए, आर्टिकल में और जो बातें की गई हैं वो यही है कि दो थियरीज हैं, एक अर्ली वर्जन है, एक लेट वर्जन है। तो जो अर्ली वर्जन है वो यही कहता है कि ह्यूमन का जो अराइवल हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये जो है, एक मिनट मैं पेन ले लेता हूं, ये जो अराइवल हुआ है ये 70,000 से लेकर 120,000 के बीच में हुआ है, जबकि जो दूसरी लेट वर्जन है ये 50,000 से 60,000 के बीच में बात करता है। तो इसी पर ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ बातें की गई हैं। अल्टीमेटली जो रिजल्ट के तौर पर कहने का प्रयास किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जब ये तोबा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था ह्यूमन सेटलमेंट इंडिया में, उसके बाद का है, उसके पहले का नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने इस आर्टिकल के बारे में आपको बताई। अगला जो हमारा आर्टिकल है, इंडियाज रूरल डिस्ट्रेस पजल, इससे रिलेटेड है, पेपर 3 से टॉपिक को एसोसिएट करेंगे। कॉन्टेक्स्ट यही है कि इंडिया की जो रूरल इकोनॉमी है वो लगातार डाउन जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है।
इसके कई सारे पॉजिटिव और निगेटिव हम समझ सकते हैं। देखिए, पॉजिटिव ये है रूरल इकोनॉमी में, वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है, इसके अलावा जो रूरल वेजेस हैं वो बढ़ रहे हैं। निगेटिव क्या है कि रूरल लाइफ लगातार डिस्ट्रेस में जा रही है, कंज्यूमर सेंटिमेंट खराब हो रहा है, इसके अलावा जो डिमांड है वो कम हो रही है, लोन वेवर्स की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड वहाँ पर बढ़ रही है। कारण क्या था इस डिस्ट्रेस का? फूड प्राइसेस लगातार गिरे हैं, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। फूड प्राइसेस गिरे क्यों हैं, इसका इमीडिएट टर्म में हम देखें, इमीडिएट कॉज ये था कि बंपर क्रॉप प्रोडक्शन हुआ। शॉर्ट टर्म कॉज हम ये देख सकते हैं कि डीमोनेटाइजेशन किया गया, इसके अलावा टैक्स रिलेटेड जो अनसर्टेनिटीज आई, जीएसटी से रिलेटेड, वो भी कारण बना। लॉन्ग टर्म में हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट है वो बेहतर नहीं है, इस वजह से जो फूड क्राइसिस है वो क्रैश कर रही हैं। दो पार्ट हैं रूरल इकोनॉमी के, एक लैंडलेस लोग हैं, ऐसे लोग जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है और ये पॉपुलेशन 70% है। दूसरा लैंडेड लोग हैं जिनकी पॉपुलेशन 30% है। ठीक है, अब देखिए दोनों को डिस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो लैंडलेस रूरल पॉपुलेशन है उनकी इनकम निगेटिव है, मतलब उनकी जो ज़रूरतें हैं वो उनकी इनकम से पूरी नहीं हो पाती हैं, जबकि जो लैंडेड लोग हैं जिनके पास जमीन है वो ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। ठीक है, थर्ड, जो लैंडलेस लोग हैं वो अपनी इनकम वेजेस से कमाते हैं, जबकि जो लैंडेड लोग हैं वो कल्टीवेशन के जरिए अपनी इनकम बनाते हैं। आखिर लैंडलेस और लैंडेड के साथ ये जो चीज़ें हो रही हैं इसका क्या जो आउटकम निकल के आएगा वो ये क्या होगा? देखिए, वेजेस जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी गिर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है लैंडलेस लोगों के लिए। इनके साथ जो लैंडेड लोग हैं वो ज़्यादा वेजेस देने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में आ रहे हैं, उनका इनकम ऑफ कल्टीवेशन जो है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो लगातार बढ़ रही है, इससे उनको नुकसान हो रहा है। लोन वेवर्स निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो क्रेडिट कल्चर है वो उसको ख़राब कर रहे हैं, फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम जो है उसको नर्वस कर रहे हैं, इसके अलावा जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी ख़राब हो रही है, और इस तरीके से जो इंडिया है एक वीसीएस साइकिल में फंसता चला जा रहा है। क्या करने की ज़रूरत है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की ज़रूरत इसलिए है कि इन्फ्लेशन अभी बहुत डाउन गया, हमने देखा 1.5% पे चला आया, इस वजह से जो डिमांड है वो कम हुई और जो प्राइसेस थी, जो कैश क्रॉप थी या फिर क्रॉप थी, उनकी प्राइसेस क्रैश कर गई। इसके अलावा एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, इरीगेशन फैसिलिटीज़ इंप्रूव करिए, वेयर हाउसिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, साथ ही जो फार्म प्रोडक्टिविटी है उसको भी इंक्रीज़ करने की आवश्यकता है। कंक्लूजन के तौर पर हम यही बोल सकते हैं कि जो रियल डिस्ट्रेस है एग्रीकल्चर का, उसको लोन वेवर्स से सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, बल्कि एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। तो ये पूरी बात हमने यहाँ पर की, एक रिविज़न करेंगे। हमने पहला आर्टिकल इंडिया म्यांमार रिलेशन पर डिस्कस किया, हमने देखा कि कई तरीके से हमें रिलेशंस को इम्प्रूव करना है। बैकग्राउंड के साथ हमने डिस्कस किया वहाँ पर किस तरीके से 1962 में कूप होता है और मिलिट्री रूल आता है, रिलेशंस ख़राब होते हैं, 1992 के बाद हम रिलेशंस को इम्प्रूव करते हैं, अभी विजिट होने वाली है और कई एरिया में जो सॉल्यूशन है या फिर कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया जा सकता है। नॉर्थ कोरिया का इशू हमने देखा, हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में हमने यहाँ पर बात की, और जो एक अच्छा सॉल्यूशन होगा वो मल्टीलैटरल कंसेंसस ही हो सकता है। SLV C-39 के बारे में हमने बात की, ये इर्नस से रिलेटेड सैटेलाइट था जो कि हमारे नेविगेशन सिस्टम को फंक्शनल करने वाला था, लेकिन अभी ये फेल हो चुका है, जो कि 8वां सैटेलाइट था, तो इसके बारे में हमने बात की। रूरल डिस्ट्रेस पर हमने देखा कि इसका जो सॉल्यूशन हो सकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, ना कि लोन वेवर, और इसके कई सारे कारण भी हमने यहाँ पर देखे, साथ ही हमने ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में बात की। तो ये पूरा आर्टिकल जो आज का डिस्कशन था वो हमने यहाँ पर देखा, उम्मीद है कि आपको इन डिस्कशन से बेनिफिट हो रहा होगा। हम लगातार इस डिस्कशन को कम्युनिकेबल बनाने का प्रयास करेंगे, आप अपने सवाल मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दें, साथ ही हम उसको यहाँ पर एड्रेस करेंगे, मैं उन कमेंट बॉक्स को रिव्यू करूँगा। अगर आपको ये डिस्कशन बेनिफिशियल लगते हैं तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फेसबुक पेज पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन, थैंक्स अ लॉट।